ऐसा है भाई जी, पिज्जा टहले तो ऐसे खोल दिया हमने, शौक तो हमारे यही वाले थे। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं ना ऑलमोस्ट एक महीने बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बिजी भी हो गई थी और कुछ काम भी था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सब बहुत मिक्सअप हो गया था, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। और मैंने ये भी देखा कि सब्सक्राइबर ना वहीं पे अटक गए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपको पता है ना वो मस्ट है, तो वो ज़रूर कर दे। और आज अभी हम हैं नानी के यहाँ, क्योंकि लंदन से हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और वो लोग हो रखे हैं अभी क्वारंटीन। तो वैसे उन लोगों ने टेस्ट वगैरह करा लिए हैं तो सब नेगेटिव है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए वो क्वारंटीन है, तो वो लोग नीचे हैं, हम लोग छत में हैं और हम लोग ऐसे ही उनसे दूर दूर से मिल रहे हैं आजकल। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, आज हम उनके साथ ही डिनर करेंगे, तो देखते हैं हम क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैं काम से आ चुकी हूँ, काम निपटा के अपना ऑफिशियल काम, तो अब हम करने वाले हैं चिट चैट, बहुत सारी गॉसिप्स, और एक हीरोइन से मैं आपको मिलवाती हूँ। हाय आश्वी। हाय। आप इतने दिन से कहाँ थी, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे आप? मुझे अपने प्यारे भूलों के साथ खेलने के लिए टाइम मिल गया था। अच्छा, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पापा के साथ, अब मैं पापा के साथ रहूंगी। अच्छा, सो अभी तो हम आए थे छत पे, हमने सोचा थोड़ी धूप सेक ली जाए, लेकिन सूर्य देवता आज प्रकट नहीं हो रहे हैं, आलस कर रहे हैं वो भी, शायद उनको ठंड लग रही है आज। तो अब हम जाते हैं नीचे, नीचे बनाते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल आप लोग अपना स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल ना वायरल भी चल रहा है, प्लस कोविड के तो चल ही रहा है इतने टाइम से, लेकिन वायरल बहुत हो रहा है, और वायरल भी ऐसा है ना कि अगर एक को होता है तो वो सबको ही होता है फैमिली में, तो प्लीज़ टेक केयर। और वायरल हो रहा है, बट ये भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि हमें वायरल हो रहा है और वो कोविड निकले, तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम बुखार, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। सो बाकी हम जाते हैं नीचे, और नीचे जाके ज़रा अपना जल पान कॉफ़ी पान वो करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या क्या करते हैं हम आज, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं, मौसी भी आने वाली है और भाई बहन भी आने वाले हैं, मेरे कजन्स भी आने वाले हैं, तो देखते हैं शाम को क्या धमाका होता है। सो गाइस, अब हम तैयारी करते हैं कॉफ़ी बनाने की, और दूध जो है भाई साहब वो गिर चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ साफ कर दें, और इसके साथ पता नहीं कुछ धोखा हो गया, देखते हैं क्या धोखा हुआ है इसके साथ, क्या धोखा हुआ है आपके साथ? ये फैन वाला टॉय मैंने ऊपर छत में खोला था, और हमारे साथ धोखा हुआ है कि इसके साथ फैन नहीं है। ओहो, इतना बड़ा धोखा। हाँ, और एक्चुअली ये बीच में खेलने वाला था, मौसी ने हमारा बेवकूफ बना दिया, तो हम देखते अब हम मौसी का हाल करेंगे ना। सो गाइस, कॉफ़ी बन चुकी है, अब मैं पहले कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। और ये जो कॉफ़ी है बहुत ही बकवास बनी है, क्योंकि मैंने किसी को बोला था बनाने के लिए और इस इंसान ने बहुत ही बकवास कॉफ़ी बनाई है, ऐसा लग रहा है कि दूध गर्म करके दे दिया, तो ज़रा मैं इसे ठीक करके आती हूँ। सो गाइस, कॉफ़ी पी ली है और अब मुझे काम दिया गया है फ्रूट्स काटने का, और ये अमरूद आर्टिफिशियल लगते हैं देखने में ही आजकल जो आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े अजीब से थेपड़े से, चलो अभी ने काटते हैं फिर खाते हैं। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. So guys, अब जो है अब हमारा खाना पीना बनना स्टार्ट हो गया है, और आज हमने किचन ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मतलब आधा मैं यहाँ किचन में बना रही हूँ और आधा वो लोग ऊपर वहाँ पे चूल्हा जला के वहाँ पे हरी सब्जी और वही मंडवे की रोटी बना रहे हैं, तो उनका सेटअप वहाँ ऊपर लग चुका है, तो मैं थोड़ी देर में ऊपर जाऊँगी, तब तक मैं ज़रा यहाँ पे पनीर की सब्जी बना रही हूँ तो वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत हॉच पॉच हो रही है किचन में, बट मेरी तैयारी पूरी सेट है, मैं ज़रा फटाफट बना लूँ। मेरा तो काम हो गया है शुरू सब्जी बनाने का, और यहाँ पे तो लग रही है ठंड, और वो लोग आराम से ऊपर आग में बैठे हैं वहाँ पे, मैं भी जाती हूँ फटाफट ऊपर जल्दी से जल्दी। ये भी हमने पहले सोचा था कि हम चूल्हे पे ही बना ले, लेकिन फिर ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें हो जाती है वहाँ पे करने को और बहुत कंजस्टेड हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी निपटाने के लिए ये हमने यहाँ बनाना शुरू कर दिया।
तो जुड़े रहे ब्लॉग में और देखे हम लोगों की कारस्तानी। और आज ना एक महीने बाद ब्लॉग बनाने, थोड़ा ना फ्लो भी टूट रहा है, पर जो भी हो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन तो पता ही है। तो ये अभी हमारे प्याज हो गए, फिर इसमें डालते हैं हम लहसुन अदरक जो कि कूट चुके हैं बढ़िया तरीके से। और ये रहे हमारे पनीर के पैकेट्स, तो इनको भी फटाफट से काट लेते हैं। सो मेरा मसाला बन रहा है, मेरा नहीं पनीर का मसाला बन रहा है, और प्याज टमाटर वगैरह मैं डाल चुकी हूँ। अब डालती हूँ ज़रा फटाफट से इसमें मसाले। इसमें मैं फाइनली मसाले नॉल डाल चुकी हूँ सब, और ये जल्दी से तैयार हो जाए तो हम भी भागे ऊपर जहाँ वो लोग बैठे हैं, और ऊपर वो लोग बना रहे हैं हरी सब्जी और उसके बाद बनाएंगे वो रोटी। और जब तक मेरा मसाला पक रहा है उधर, तब तक मैं सोच रही हूँ चटनी भी बना ही लेती हूँ। जब इतना फैला ही दिया है तो थोड़ा तामझाम और कर लेते हैं। सो चटनी भी बन चुकी है यहाँ पे और सब्जी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अब इसमें इसको थोड़ा सा सेमी ग्रेवी इसको थोड़ा सेमी ग्रेवी वाला बनाना है। फ्लो नहीं आ रहा है गाइस, यही होता है बहुत दिन बाद काम करने का नतीजा, व्लॉग बनाने का नतीजा। कल से फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये रही पनीर की सब्जी, अब इसमें डलेगी थोड़ी सी ग्रेवी, मतलब इसमें पानी डलेगा। तो कल चुवाड़ी बना देते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद चलते हैं सीधा ऊपर। और पता है वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ये कि मंडवे की रोटी के साथ हम मोस्टली यही बनाते हैं पनीर की सब्जी और हरी सब्जी, लेकिन एक बार हमने खाई ना तो वो टेस्ट मुंह पे ऐसा लग गया ना कि अब यही कॉम्बिनेशन हम लोग हर बार बनाते हैं। सो गाइस ये सब्जी अब रेडी हो चुकी है, बन चुका है इसका कलचवाणी। और मैंने एक काम एक्स्ट्रा कर दिया है, इनका सैलेड भी काट दिया इनके लिए, और अब ऊपर से आदेश आया है चाय का, तो मैं चाय का सारा मटेरियल लेके ऊपर ही चलती हूँ, चूल्हे में ही बनाते हैं अब हम। सो चाय का ये तामझाम लेके मैं ऊपर ही जा रही हूँ, मैंने इसी में मिक्स कर दिया सारा, अब ऊपर जाके से चूल्हे पे चढ़ाते हैं। सो गाइस ये हमारी चाय बन रही है और इधर बीमी है। हाय मॉमी, हाय। और ये इन्होंने सब्जी बना दी है यहाँ पे हरी सब्जी, और आटा भी गूंद के रख दिया है, और अब बनेगी यहाँ पे रोटी। एक ग्लास दूध लिया। तो गाइस जो हमारे मेहमान है ना वो बेचारे तो रूम में बैठे हुए हैं, एक रूम में बंद है बेचारे, और पर हमने अपना फर्ज निभाया मेहमानदारी का। तो जब घर में मेहमान आते थे पहले ना तो मम्मी पनीर बनाती थी, तो इसलिए हमने भी पनीर बनाया थोड़ा और हरी सब्जी बनाई है। और हमने सोचा कि अब विदेश में इतने दिन उन लोगों ने वहाँ का खाना खाया होगा, तो अब हम उन्हें प्रॉपर यहाँ का खाना खिलाते हैं, तो इसलिए हम बना रहे हैं मंडवे की रोटी और मौसी से मिलवाती हूँ। क्या हाल है? बढ़िया, बहुत दिनों बाद। हाँ बहुत दिनों बाद मंडवे की रोटी, हरी सब्जी, पनीर, चाय। हाँ चाय चूल्हे से की उठा दी। आपको पता है एक महीने बाद बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मैं बहुत वो थी अपसेट लोगों से। Why? लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी ड्यूटी में बोल देना सबको। बिल्कुल ठीक है, जितने पेशेंट आएंगे उनको बोलना पहले सब्सक्राइब करो तब अंदर। और क्या, चलो अब जब हम रोटी बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं, अभी पहले चाय बन रही है। सो गाइस हमने सोचा है कि जब रोटी यहीं बन रही है तो हम सारा तामझाम जो नीचे भी था सब्जी वगैरह वो हम ऊपर ही ले आए हैं ताकि यहीं पे गर्मा गर्म खा सकें। सो गाइस ये लग चुकी है प्लेट, पनीर, हरी सब्जी, चटनी, सैलेड, और इंतजार हो रहा है मुझे गर्मा गर्म फुलके का जो कि यहाँ पे अभी बन रहा है। और ये प्लेट मैं अपने लिए लगा रही हूँ क्योंकि हम पंडित आदमी हैं, टाइम पे खा लेते हैं 7 बजे ही, बाकी ये लोग खाएंगे अपना 9-10 बजे।
तो जी ये रही बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म मंडवे की रोटी। तो जो मेहमान है उन्होंने बोला हम अभी नहीं खा रहे, हम बाद में खाएंगे, तो वो नीचे हैं, तो हम कर लेते हैं पेट पूजा। अब खा के बताती हूँ। वैसे सबने खाया रहता है, पता ही रहता है, पर थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना व्लॉग की। और पहले मैं हरी सब्जी के साथ खाती हूँ और ये चटनी। बढ़िया, मजा आ गया। गाँव की होली से बांध कान बल दिखांध, गाँव की होली से बांध कान बल दिखांध, बगुला झावरा छण मणांद रम झम कौती गजांद, बगुला झावरा छण मणांद रम झम कौती गजांद, कह गाँव की भम तेरी जून से मुखड़ी छोरी मैं न पखों बटी नेरे, भम तेरी जून से मुखड़ी छोरी मैं न पखों बटी नेरे, कुछ तो खास बोलो मैं माँ, हाँ कोई तो बात होली। ऐसा है भाई जी, पिज्जा टहले तो ऐसे खोल दिया हमने, शौक तो हमारे यही वाले थे। गीत लाना तांदी भले, गीत लाना तांदी ले, गीत लाना तांदी जम मैं बुलाऊंडो उंडो फुंडो फुंडो चांदी ले, उंडो फुंडो चांदी जम। सो चमक रहे हैं आप अभी तक, कैसा लगा आपको? स्वर्ग जैसा, बिल्कुल स्वर्ग जैसा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, वेलकम। सो कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, मस्त है ना, हम बढ़िया ही बना रहे हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए। हाँ जी पंडित जी, हाँ। कैसा लगा? अच्छा था, ठीक ठाक था। सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और जो मील हमने बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनी है, और जिनका नाम लेके बनाई थी उनको भी दे चुके हैं, वो भी डन मत होके अब टिप टाप सोने की तैयारी में है। और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।